भारत जहाँ की आबादी विश्व में दूसरे नंबर पर आती है, जहाँ थोड़ी दूर पर भाषा से लेकर पहनावे तक सब बदल जाते हैं, यहाँ बदलाव एक उम्मीद है, एक विश्वास है, जिसे लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ अंधविश्वास और रहस्यों पर भी आंखें मूंद कर विश्वास किया जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज तक रहस्य ही बन करके रह गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए और ढेर सारे वीडियोस इसी तरह लाते रहें। यहाँ हम कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपको उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। अलेया भूत लाइट पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमयी रोशनी देखे जाने की जानकारी मिली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन मछुआरों को यह रोशनी दिखाई देती है वे या तो रास्ता भटक जाते हैं या ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते। इन दलदली क्षेत्रों से कई मछुआरों की लाशें भी मिली हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन यह मानने को तैयार नहीं है कि यह भूतों के चलते हुआ। उनके मुताबिक मछुआरों के साथ अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। वैज्ञानिकों का अंदेशा है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है और वे किसी तत्व के संपर्क में आने से रोशनी पैदा करती हैं। रूपकुंड झील, यह नदी हिमालय पर्वतों में स्थित है। इस तट पर मानव कंकाल पाए जाते हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूहों ने इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए, पर वे नाकाम रहे। भारत के उत्तरी क्षेत्र में खुदाई के समय 22 फुट का विशाल नर कंकाल मिला है। उत्तर के रेगिस्तानी इलाके में एमटी क्षेत्र के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में है। यह वही इलाका है जहां से कभी प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी। इस कंकाल को वर्ष 2007 में भारतीय सेना की सहायता से उत्तर भारत के इस इलाके में खोजा। 8 सितंबर 2007 को इस आशय की खबर कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। हालांकि इस तरह की खबरों की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में जब तक कोई अधिकृत बयान नहीं जारी होता, यह असत्य ही मानी जा रही है। बताया जाता है कि कद काठी के हिसाब से यह कंकाल महाभारत के भीम पुत्र घटोत्कच के विवरण से मिलता जुलता है। हालांकि इसकी तुलना अमेरिका में पाए जाने वाले बिग फुट से भी की जा रही है, जिसकी औसत हाइट अनुमानतः 8 फुट की है। इसकी तुलना हिमालय में पाए जाने वाले एती से भी की जा रही है, जो बिग फुट के समान ही है। माना जा रहा है कि इस तरह के विशाल काय मानव 5 लाख वर्ष पूर्व से 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व के बीच में धरती पर रहा करते थे, जिनका वजन लगभग 550 किलो हुआ करता था। यह कंकाल देखकर पता चलता है कि किसी जमाने में भारत में ऐसे विशाल काय मानव भी रहा करते थे। खास बात यह है कि इतने बड़े मनुष्य के होने का कहीं कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। क्या सचमुच इतने बड़े आकार के मानव होते थे, ये तो हमें पता नहीं, जो सुना वो बताया। जतिंगा गांव, असम में स्थित यह गांव पक्षी आत्महत्या की दुर्घटनाओं के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पक्षी आकर आत्महत्या करते हैं। जापान के माउंट फूजी तलहटी में आवकिगोहारा के घने जंगल में जिस तरह से लोग आत्महत्या करने आते हैं, ठीक उसी तरह से मानसून की बोझिल रात में जतिंगा के आसमान पर मंडराने लगता है मौत का काला साया। रोशनी की ओर झुंड के झुंड पखेरू आते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। पक्षियों के इस प्रकार के आत्महत्या के पीछे क्या कारण है,
आज तक इस बात का पता नहीं लग सका है। इसका पता लगाने के लिए कई रिसर्च हो चुके हैं, परंतु प्रकृति के इस रहस्य के बारे में ठोस रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। असम के कछार में स्थित इस घाटी के रहस्य को जानना जरूरी है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तिब्बत का यम द्वार। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टप कहते थे, यह अखंड भारत का ही हिस्सा था। तिब्बत में दारचेन से 30 मिनट की दूरी पर है यह यम का द्वार। यम का द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। हिंदू मान्यता अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा के शुरुआती पॉइंट पर है। तिब्बत के लोग इसे चोल्टेन कांग नांगी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है दो पैर वाले स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अगर कोई रात में रुकता है तो वह जीवित नहीं रह पाता है। ऐसी कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे के कारण का आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। यह एक मंदिर नुमा दरवाजा है या कहें द्वार है, इसे कब किसने बनवाया कोई प्रमाण नहीं है। बहुत शोध हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। जुड़वाओं का गांव। गांव तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन केरल के एक गांव में सबसे ज़्यादा जुड़वा लोग बसते हैं। इस गांव का नाम है कोडिनी। यहां लगभग 2000 परिवार रहते हैं, जिसमें लगभग 250 जुड़वा हैं। लगातार गांव में जुड़वा बच्चे पैदा होते चले आ रहे हैं। अभी तक इसके पीछे का कोई भी वाजिब कारण सामने नहीं आ पाया है। सरकार ने वहां पर एक स्थानीय डॉक्टर को भी नियुक्त कर दिया है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई कि इतने जुड़वा आखिरकार होते कैसे हैं और क्यों। द जोधपुर बूम। 18 दिसंबर 2012 के दिन जोधपुर के लोगों को एक धमाका सुनाई दिया। इसकी आवाज इतनी तेज थी कि मानो कान ही फट जाएं। लोगों ने सोचा कि आसमान में कोई जहाज टकरा गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ना ही वहां पर कोई नुकसान हुआ है, ना ही वहां पर कोई जहाज टकराया है, ना ही कोई प्लेन क्रैश हुआ है। यहां तक कि सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन यह धमाका हुआ कहां आज भी एक रहस्य बना हुआ है। द नाइन अननोन मैन। वैसे यह रहस्य पश्चिम के देशों से आया था। लोगों का मानना है कि सम्राट अशोक के समय में यह रहस्य भारत पहुंचा। जब सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध लड़ रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने 9 लोगों की एक टीम बनाई, जिनके पास ज्ञान की महत्वपूर्ण किताबें थीं। और यह भी माना जाता है कि उन किताबों में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान थे, जो कि गलत हाथों में न लग जाए, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने को कहा गया। माना जाता है कि उनके वंशज उन चीज़ों को आज भी सुरक्षित रखते हैं। यह भी माना जाता है कि इसमें से ही कुछ बातें लीक हो गई थीं, जिसे आज हम जूडो के नाम से जानते हैं। क्या सही क्या गलत, ये तो नहीं पता। एक शापित गांव, कुल्धारा। यह एक ऐसा गांव है जो करीब 200 साल से वीरान पड़ा हुआ है। माना जाता है कि एक रात यहाँ के सारे लोग इस गांव को छोड़ करके चले गए थे। माना जाता है कि यहाँ के एक दीवान की नज़र यहाँ के एक लड़की पर पड़ गई थी। गांव के लोग उसे अपनी लड़की नहीं देना चाहते थे, इसलिए एक रात वो गांव छोड़ करके चले गए और इस गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। तब से आज तक ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी नहीं बस पाता। यहाँ आसपास से जाने वाले लोगों को भी कुछ अजीब महसूस होता है। द मैग्नेटिक हिल। हिमालय की पहाड़ियों के पास और लद्दाख की वादियों में एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी तो वह अपने आप ही पीछे खींची चली आती है। लोग इसे हिमालय का जादू भी कहते हैं। यह एक मैग्नेटिक हिल है जिसमें चुंबकीय फोर्स इतना है कि अगर आपने गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी की तो अपने आप चलने लगती है। इसका सटीक कारण आज तक खोजा नहीं जा सका है। द कोंकाला पास। भारत और चीन के बॉर्डर पर यह स्थित है। एक समय दोनों देश के बीच के टकराव की भी वजह यही क्षेत्र था। यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि इस जगह पर उन लोगों ने यूएफओ को उतरते हुए देखा है। कई बार यहाँ यूएफओ उड़ते हुए ट्रेस किए गए हैं। माना जाता है कि यूएफओ ने अपना बेस इसी जगह को चुना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी जा नहीं सकता है। स्थानीय लोगों को शक है
कि कहीं यह सच ना हो, लेकिन आज तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो आप इन्हें लाइक शेयर जरूर करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।